साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को इसका लाभ मिलता था और खासकर छोटे किसान आजादी से अब तक इंतजार करते रह जाते थे। जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता भी था, वो भी कुछ वर्षों के बाद फिर कर्जदार ही बन जाते थे। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए, परिणाम क्या हुआ? ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। जिसने कर्ज लिया उसकी 2.5 लाख रुपए की माफी का वायदा किया था और माफी हुई 13 रुपए की। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वही राजस्थान में तो सरकार ने हाथी खड़े कर दिए। वहां तो अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसानों का कर्ज माफ करने से इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। कर्नाटक में जो किसान कर्ज नहीं दे पा रहे हैं उनके पीछे पुलिस लगा दी गई है। ये है कांग्रेस की किसान और कृषि नीति जिसको यहां के सीएम का समर्थन मिल रहा है।